तो गाइस एक एक्शन थ्रिलर मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो आप नीचे टाइटल में देख सकते हैं और नीचे पढ़ सकते हैं उसका नाम। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी आपको देखना चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो बेसिक डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। इसे देखने के लिए लगभग आपको 2 घंटे का समय देना पड़ता है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट के आसपास समय देना पड़ता है। और इसकी हिंदी डबिंग फर्स्ट क्लास की गई है और चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी गंदा नहीं है। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस फिल्म की कहानी को 1974 के समय में सेट किया गया है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिखाया गया है जिसका नाम फिनवर मर्फी होता है, जो पैसे लेता है और जिसे मारने को बोला जाता है उसे मार देता है। तो वह एक आदमी को मार देता है जिसकी बहन बहुत खतरनाक होती है। तो अब उसकी बहन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। तो क्या वह फिनवर मर्फी अब क्या करता है एंड अपनी जान कैसे बचाता है, यह सब जानने के लिए आपको यह फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म स्लो पेस है, मैं पहले ही बोल देता हूँ फिल्म स्लो पेस है, पर फिल्म अच्छा है, देखने में मजा आता है। फिल्म आपको शुरू से हुक नहीं करेगी, आपको थोड़ा सा फिल्म देखना होगा, इसके बाद आप धीरे धीरे फिल्म में खो जाएंगे। फिल्म आपको एक अलग मजा देने वाली है, जैसे जैसे आप फिल्म को देखेंगे आप फिल्म में इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। और जिस तरह से मेकर्स ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है वह काबिले तारीफ है, देखकर मजा आता है। एक्शन वैक्शन की बात करें तो जी हाँ, इसमें आपको गन फाइट देखने को मिलता है, एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड थोड़ा मोड़ा फाइट सीन भी देखने को मिलता है, पर ज्यादातर इसमें आपको गन फाइट देखने को मिलता है। पर जो कुछ भी दिखाया गया अच्छा, देखकर मजा आता है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपका इंटरेस्ट फिल्म में बढ़ने लगता है। फिल्म को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर उतारा गया है, देखने में मजा आता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिल्म स्लो पेस है तो हाँ आपका पेशेंस मांगेगी फिल्म, तो थोड़ा पेशेंस से फिल्म को देखिएगा, फिल्म आपको मजा देगी। यदि आपको स्लो पेस मूवी देखना पसंद है, स्लो पेस एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको पसंद आएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने बहुत ही बवाल लेवल की एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। जिस तरह से इसमें सिनेमेटोग्राफी को दिखाया गया है आपको फील होता है कि आप 1974 के दौर में है। तो जी हाँ, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको स्लो पेस एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं और अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं। पर स्लो पेस एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद हो तो ही इस फिल्म पर हाथ डालिएगा। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।